Hello friends, good morning to everyone and welcome back to our YouTube channel and welcome back to our new vlog. So आज का vlog मैंने start किया है क्योंकि आज मैं जल्दी ready हो गया था. अभी ठाकुर जी तो मंगला हो गए हैं और मंगल भोग में है, तो आज देखते हैं अभी क्या करते हैं. Good morning. आज आपको ब्लॉग स्टार्ट करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है. कोई बात नहीं, आपने कर लिया, अच्छी बात है. क्योंकि हर रोज सुबह ब्लॉग शुरू करके मैं एक ही बात बोलती हूँ, वेलकम बैक टू तुम्हारे चैनल. मैंने अप्रश कर लिया है, हर्षल अप्रश करने गया है. सॉरी, वन करेक्शन, वेलकम बैक टू माय वाइफ्स चैनल. नो, दैट मींस आवर चैनल, आवर चैनल, बट नाम मेरा है ना इसलिए. हाँ, तो अभी कॉल करना है. हाँ, वीडियो कॉल करना है. आज हम वर्चुअल एंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड करने वाले हैं. तो आज हमारे मामा की लड़की झेंसी की एंगेजमेंट है. हम लोग जा नहीं पाए गुजरात, तो अभी हम वर्चुअली अटेंड करेंगे. अभी बस कॉल करने वाले हैं, देखते हैं वहाँ पे सब कैसा माहौल है. सब लोग एक साथ सब इकट्ठा हुए होंगे, बहुत ही मौज मस्ती कर रहे होंगे. चलो देखते हैं. हेलो भाई, वधाओ वधाओ. ना ना, त्यां हसे घणा. कौन छे? જય શ્રી કૃષ્ણ. ભાગી માસી સાચું રાધે 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 કરો, રાધે રાધે કરો. સાચું છે, રમાડે છે, કટે કટે. રાધે રાધે. સાચું સાચું ને તો બતાવો. ગુડી સાચ ને બતાવો. સાચ સાચ સાચ. બિચારો ક્યાં છે ઝીનકુડી ને. હેલો કરજો. હેલો હેલો હેલો. ક્યાં જીનુ ને એ બંને ને બતાવ. ગુડી હું નાસ્તો કરવા માંડા. બે કેક ભૂખ લાગી ગઈ લાગે. આ ચાલુ કરી દીધું. તું સાંભળશો આ વિડીયો જોઈને એમાં. હા, દેખાણા દેખાણા. પછી છે ને એની પાસે જાન ત્યારે કરાવજે, વાત કરાવજે. હા ને, કે શરમ આવશે વાત કરવામાં. તું આજના વિડીયોમાં આવીશ. ચલો બાય બાય. તો આજ સ્નાન યાત્રા હૈ, ઇસલિયે હમને વિશેષ સામગ્રી મેં ખીર બનાઈ હૈ. ખીર और वैसे भी आज पूरा सब कुछ है, वरना क्या होता है ना कि हम सांभर भात कर देते हैं या फिर रोटी सब्जी. ऐसा नहीं है, आज सब कुछ है. मैं आपको पहले से दिखाती हूँ.
ये सांभार है, रोटी है, राइस, आलू जीरा की सब्जी, ये जो मिठाई हमने बनाई थी वो, सलाद, पापड़, दूध और खीर। कैसा है सांभर? सांभर अच्छा है, मीडियम है, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है और आप आराम से पी सकते हो। अभी गरम गरम सांभर है, मजा आ जाएगी। तो साउथ में हम लोग ऐसे सांभर भात बोलते हैं, साउथ में अन्ना सांभर बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आके ठाकुर जी को साउथ इंडियन ही बना दिया है और मज़ा भी आ रही है। क्या क्या डाला है? बिना दूधी बिना आलू का सांभर है। आलू भी नहीं है तो है क्या इसमें? दाल, लेकिन पता नहीं चलता। वैसे यहाँ का सांभर मुझे बहुत ही कम अच्छा लगता है क्योंकि उसमें वो क्या बोलते हैं, कद्दू, पम्पकिंस, फिर वो सरगवा मतलब कि ड्रमस्टिक, बहुत कुछ डालते हैं। हाँ। जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये सांभर अच्छा है और सांभर मसाला भी शायद मद्रासी सांभर मसाला डाला है, उसका थोड़ा अलग टेस्ट आता है सांभर मसाला का। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो बस आज का दिन में ऐसा ही सब कुछ चला। एंगेजमेंट सेरेमनी जो हम नहीं जा पाए थे वो हमने वर्चुअली अटेंड की 2-3 कॉल के बाद। दूसरा ये कि कल इडली बनाई थी, आज सांभर बनाया था, दोनों साथ में नहीं बनाया था। और बस अभी भी ऐसा सनी सनी ही वेदर है। हेलो ऐसा घूम घूम के, ऐसा झूम झूम के आ रहा था, जैसे ही वीडियो मैंने टर्न किया ये बंदा स्लो। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो। तो आज हमने, मैं क्या सोचे, कल इडली बनाई, आज सांभर बनाया, अन्ना सांभर, अन्ना सांभर, इडली कल, हाँ। सांभर आज, दोनों साथ में नहीं बनाया। तो चटनी भी उस टाइम पे नहीं बनानी थी, कल चटनी बना सकते थे। ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कुछ नया वापस साउथ इंडियन ट्राई करेंगे। खाना ही है, बस खाना ही है। हमारे ऑनर भी कह के गए अभी अभी कि आप नया नया वो हर्षल पे ट्राई करो, अगर अच्छा हो तो फिर बाद में हमको देना। बोलो, ये नहीं सोचना किसी को कि इस बंदी को कितनी मेहनत रहती है। नहीं नहीं, अगर आप कुछ नया करते हो और वो अच्छा होता है, जब आपको पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं तो बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो ऐसे ही मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है क्योंकि इडली अच्छी थी, आज सांभर बहुत ही अच्छा था। तो अब मुझे मतलब एक बार डोसा भी बना के एक बार चेक कर लो। हाँ, फिर उसमें वैरायटी आएगी। वैसे पूड़ी मसाला डोसा, वो वाला डोसा, वो वाला डोसा, देखो कराइयो। नहीं अच्छा, वरना अगर नाम लेके ही पेट भर गया है तो फिर बनाने की झंझट नहीं मेरे को। नहीं, वो टेस्ट नहीं आता है ना, लेकिन सिर्फ पेट भरता है। तो पेट भरने से मतलब है ना टेस्ट से? नहीं, कभी कभी टेस्ट भी जरूरी है। सभी प्रकार के रस आवश्यक है जीवन में, चाहे वो कड़वा हो, नहीं है तूरा, तीखा, खट्टा, मीठा, सभी प्रकार के रस आवश्यक और लाइफ में भी सारे एक्सपीरियंसेस जरूरी है। कभी बैड एक्सपीरियंस भी होता है, उसे हमको कभी सीखने को मिलता है, डिसअपॉइंट नहीं होने का, सीखना है उसमें से। 2 दिन से अच्छी धूप थी, आज देखो बादल बादल। आज बादल नहीं, आज थोड़े हम लेट है। देखो नहीं, सामने धूप है पर ये साइड तो बादल ही है। आज आँख पे नहीं आ रही है एटलीस्ट। हाँ, आँख पे नहीं आ रही। और आज हमने वर्चुअल एंगेजमेंट सेरेमनी अटेंड की, हालांकि हम तो यहाँ पर थे उसकी वजह से। कोरोना के टाइम पे तो मैंने सुना था कि लड़का लड़की दोनों अलग अलग थे और उसकी एंगेजमेंट ऐसे ऑनलाइन ही हुई थी, पता है? क्या फ़ायदा, क्या मतलब? जो रिचुअल्स जो होती है, विधि जो अरे होती है, उसमें पंडित जी भी ऑनलाइन थे। पंडित जी ऑनलाइन हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों तो साथ में होने चाहिए ना। नहीं, वो दोनों भी अलग अलग थे, पंडित जी भी ऑनलाइन थे, वो बहुत वो हुआ था, वायरल हुआ था वो तो वाला। शादी भी ऐसे ही अलग अलग ही कर लो। नहीं, वो बहुत वो एंगेजमेंट वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था। कुछ नहीं करती वो हमको, काफी अजीब दिखती है।
तो वो तो भगवान ने जैसे बनाई है वैसे दिखती है बिचारी, बैठ गई। बहुत समड़ियाँ आती है हमारे यहाँ से, बादल गरज रहे। वो बोल रही हूँ ना मैं कि दो दिन से धूप थी, आज बारिश शायद हो। मैं क्या बोला पता है? बादल गरज रहे हैं। नहीं, बादल गरज रहे ऐसा नहीं बोला, बादल गरज रहे ऐसा हो गया। होता है करने। मुझे ना वो बड़ा शौक है कि अलग अलग स्टेट में जाके उनके रिचुअल्स कैसे, जैसे कि पंजाबियों की शादी हमारे यहाँ, यहाँ के कोई दोस्त नहीं है आपके जिसने थे उसकी हो गई है, मैंने सब अटेंड कर ली है। मुझे वो यहाँ पर तो वो मैंने देखा है वो स्टार्स की वो और मेरे जितने फ्रेंड्स ऐसे माथे पे शादी नहीं हुई है, वो आर फ्रॉम कर्नाटका, जल्दी शादी करो और हमको इनवाइट करो। हाँ, हमको इनवाइट करो, मुझे वो सारे रिचुअल्स देखने हैं। पंजाबियों की शादी देखने का शौक है, साउथ इंडियन की शादी देखने का शौक है। वो कश्मीर में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ शादी अटेंड करने गए, क्या पता कि हमको ही ठाकुर जी ने अटेंड कर लिया है। लेकिन उसकी शादी मैंने अटेंड की थी, कश्मीरी स्टाइल में ही हुई थी, लेकिन कश्मीर में नहीं, वो इंदौर में हुई। हाँ हाँ, अगर ऐसा हो तो अच्छा है, वरना हम शादी अटेंड करने जाए क्या पता यमराजा हमको अटेंड कर ले। वहाँ पर तो कुछ भरोसा है नहीं कि क्या हो सकता है, बट है कि अलग अलग शादियाँ देखे कैसी होती है, कैसे रिचुअल्स होते हैं। टाइम मिले तो कभी हमारी शादी के जो हाईलाइट है वो वीडियो डाल देंगे एक बार। हाँ, हमारी शादी कैसे हुई थी कोरोना में कितना बड़ा फार्म हाउस और कितने कम लोग, हम दोनों ऐसे सामने सामने बैठे थे ना, तो मेरी तो नजर जा रही थी बाहर, तो बस आगे तो आंखें बंद करके ऐसे बैठा था। तो मुझे पता नहीं कि आप बाहर देख रहे थे या नहीं देख रहे, तो मैं तो सब जगह देख रही थी, सब वो कर रही थी कि कौन क्या कहाँ पर क्या कर रहा है, और वो भी देख रही थी कि कैमरामैन कब मेरा फ़ोटो ले रहा है, तो मुझे कब कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी फ़ोटो खिंचवाना, मेरी वीडियो लेना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बाहर देखा ना, तो फिर कोई नहीं, आगे की सोफे की लाइन बस एक ही थी, बाकी तो सब खाली, बच्चे ऐसे मज़े से खेल रहे थे। फार्म की कैपेसिटी 2500 की थी। हाँ, उस हिसाब से बड़ा फार्म रखा था। हाँ, क्योंकि शादी थोड़ी मतलब ऐसे बड़ी करनी थी और सिर्फ दो सौ लोग थे ना, 200 मैक्स टू मैक्स 300 मैक्स टू मैक्स, परमिशन सिर्फ 200 की। हाँ, थी, लेकिन 300 हो गए थे मैक्स टू मैक्स, तो पूरा फार्म ऐसे बस खाली खाली। वो विदाई खाना खाने के बाद जितने लोग बचते थे ना, उतने लोग पूरी शादी में थे बस बाकी कोई था ये वो एक्स्ट्रा पीपल जो बोलते हैं कि दूर के मामा के फूफा के चाचा की बेटी, ऐसा कोई नहीं था एक्स्ट्रा बस... तो छोड़ो, हमारी साइड से तो काफी नजदीक वाले मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे। हाँ, तो फ्रेंड्स तो मेरी भी कोई नहीं थी। अच्छा, वो दो तो दिख रही पर थी। वो तो सोसाइटी में हस्बैंड भी आए थे, तो उसकी शादी हो गई थी 2 दिन पहले। हाँ, तो फ्रेंड्स थे ना। हाँ, पर वो तो सोसाइटी में ही रहती थी। मेरी मोरबी वाली जो फ्रेंड्स है, राजकोट वाले सारे मेरे फ्रेंड्स है, वो कोई नहीं। मैंने तो किसी को इन्वाइट नहीं किया था, ना ही कोई सूरत वाले को भी नहीं किया था, और ना ही कोई दूसरे बाहर वाले को भी, और रिलेटिव्स में भी काफी ऐसे। हाँ, रिलेटिव्स में तो बहुत लगाने पड़े थे, बहुत कट किए थे। पर अच्छा है कि अगर देखो जिसके पास बहुत पैसा है, खर्चा करना ही है, तो वो लोग बुलाते हैं, पर क्या होता है कि बड़े लोगों की अंधाधुंधी में बेचारे मिडिल क्लास वाले लोग मारे जाते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, बट अच्छा है, जो भी होता है अच्छा होता है ना। चलो, अभी मेरा टाइम हो रहा है वापस दूसरी मीटिंग का, मैं तो जा रहा हूं। हम भी वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, आज का वीडियो बस यहाँ तक ही था। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, कमेंट भी कर दिया करो। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।